आइए दोस्तों, आपको अपनी टीम से मुलाकात कराता हूँ। राजकमल बस में बैठा के सभी को महाकुंभ शो में पहुँचाता हूँ। दोस्तों, आज हमारी टीम हमारे साथ दिल्ली महाकुंभ शो में जा रही है। राजकमल बस हमने बुक किया है, इसी बस के माध्यम से हम सभी लोग दिल्ली महाकुंभ शो में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, सब लोग बस में बैठ चुके हैं, पूरी तरीके से बस फुल हो चुकी है। दोस्तों, कुछ लोगों से आपको परिचय करवा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, रामोस सर हैं, संगीता मैम हैं, मोहम्मद तारिक सर हैं, और उसके बाद छोटेलाल सर हैं, पुष्पा जी, आनंद जी, सुदेश जी, बहुत सारे लोग हैं। अगर नाम गिनाते रहें तो बहुत समय लगेगा। तो चलिए, चलने से पहले चाय और बिस्किट का अपनी टीम को नाश्ता करा देते हैं, आनंद दिला देते हैं, उसके बाद सफ़र में चलते हैं। वो कहा गया है ना, सफ़र में बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि तबीयत ख़राब हो सकती है, लेकिन सफ़र में कुछ ना कुछ खाते पीते रहने चाहिए। तो अपनी टीम को चाय और बिस्किट नाश्ता कराता हूँ। ये अच्छे सर हैं जो सेवा में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये बिस्किट पूरी तरीके से हर टेबल पे पहुँचा रहे हैं। तो अब सब टेबल पे बिस्किट पहुँच चुका है, और सब लोग जल्दी जल्दी नाश्ता कर लें, उसके बाद हम सभी लोग निकलते हैं, महाकुंभ शो में पहुँचते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं, बिस्किट के आनंद लेते हुए चाय का भी आनंद लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। चाय आ चुकी है, सभी लोग जल्दी जल्दी चाय लेंगे। चाय पीने के बाद, बिस्किट खाने के बाद, हम सभी लोग बस में बैठेंगे और महाकुंभ शो में पहुंचेंगे। तो दोस्तों, अभी बहुत सारे फाइटर्स को चाय नहीं मिली है, दूसरे वाले टेबल पे भी चाय पहुंचाया जाए। चलिए, चाय आ चुकी है, दूसरे वाली टेबल पे भी चाय लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। जल्दी जल्दी आप सभी लोग चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद बस में बैठेंगे। बस में बैठने से पहले आप सभी लोग अपना अपना टिकट दिल्ली महाकुंभ शो का ले लीजिए, जिससे कि आपको खाना, नाश्ता सब कुछ वहाँ मिल सके। तो आइए फटाफट सबको टिकट्स दे देते हैं महाकुंभ शो को। आप लोग फटाफट अपना अपना टिकट लीजिए। आइए, आप लोग भी अपना अपना टिकट लीजिए। इस टिकट से ही लोगों को वहाँ पे खाना मिलेगा, और लोगों को नाश्ता मिलेगा, और शाम के समय भी पैकेट मिलेगा। तो आइए सभी लोग फटाफट अपना अपना टिकट लीजिए, और अपने टिकट को संभाल के रखना। जब आप टिकट लेके जाएंगे तभी ले पाएंगे। तो ये रामबाबू सर को और नदीम सर को भी टिकट दे दिया। तो चलिए, अब हम सभी लोग महाकुंभ शो का बॉन्ड लोगों को दे देते हैं, जिससे कि ये खाना खाने के बाद अंदर जा सकें। अब ये महाकुंभ शो का बॉन्ड ही आपको अंदर जाने देता है। अगर ये बॉन्ड आपके पास नहीं है, रिबन नहीं है, तो आप अंदर नहीं जा सकते, लेबल कुछ भी आपका हो, क्योंकि सिस्टम सिस्टम होता है। चलिए, मैं टिकट रामबाबू जी को दे देता हूँ, ये फटाफट बांट दें। रामबाबू जी, आप सभी को फटाफट बांट दीजिए, और बांटने के बाद सभी लोग जल्दी जल्दी अंदर एंट्री कर लीजिए। तो अब टिकट पूरी तरीके से बंट चुका है, और ये देखिए, मैं रिबन पहन लेता हूँ, जिससे कि अंदर जा सकूँ और पूरे शो को अटेंड कर सकूँ। तो महाकुंभ शो का रिबन मैं पहन चुका हूँ। चलिए, अब चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मैं गेट के अंदर आ चुका हूँ, एंट्री ले चुका हूं, और अब आपको थोड़ा सा दिखाता हूं महाकुंभ शो का नज़ारा। देखिए, ये सारे लोग अंदर जा रहे हैं, और ये महाकुंभ शो में हम लोग पहुंच चुके हैं, जो दिल्ली में हो रहा है, आईजी स्टेडियम में। दोस्तों, अब एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है हॉल के अंदर आने के बाद। जब मैं नया नया स्टार्ट किया था तो लोग बोलते थे आप फंस गए हैं, तो मैं घबरा गया था कि अरे यार, मैं तो फंस गया। लेकिन यहाँ आने के बाद आज मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग कैसे फंस सकते हैं। दोस्तों, ये फंसने फंसाने का काम नहीं है, ये लाइफ बनाने का काम है। कम समय में समझिए, डिसीजन लीजिए, और आप भी सफलता लीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।